इस वीडियो में मैं यकी के मालूम साहसिक तहकी के मुताबिक मैं खुद एक साइंटिस्ट के तौर पे यूके में काम कर रही हूँ और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और जो फेसबुक के व्यूज हैं वो मेरे फेसबुक के पेज को फॉलो जरूर करें शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर काजनी। बहुत से ऐसे एंटी एजिंग फूड्स हैं जिनका बाकायदा इस्तेमाल हमारी स्किन को यंग रखता है और झुर्रियाँ बनने के अमल को स्लो डाउन करता है। इसके अलावा इन गजाओं का इस्तेमाल हमारी स्किन को एक नेचुरल ग्लो अता करता है और हमारी स्किन को खूबसूरत बनाता है और इन गजाओं के इस्तेमाल को साइंटिफिक रिसर्च भी सपोर्ट करती है। जब हम अपनी खुराक में ऐसी गजाओं का इस्तेमाल करते हैं जो एंटी ऑक्सीडेंट्स होती हैं, जिनमें वाइटामिन और मिनरल्स बहुत ज़्यादा मकदार में होते हैं, तो सबसे पहला असर हमारी स्किन पर नज़र आता है। तो इस वीडियो में मैं ऐसी गजाओं को डिस्कस करूंगी कि जिनके पीछे साइंटिफिक एविडेंस भी है, वो ये गजाएं हमारी स्किन को नेचुरली यंग रखती हैं। तो इन गजाओं में सबसे पहले आ जाती हैं बेरीज, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, रेसबेरीज। ये बेरीज एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स के अलावा इनमें विटामिन सी भी काफ़ी मिकदार में होता है, जिनकी वजह से बेरीज जहाँ पे हमारी स्किन को सेहतमंद रखती हैं, इसको फर्म रखती हैं, वहीं पे ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा ये हमारे इम्यून सिस्टम यानी हमारी कुव्वत मुदाफियत को बहुत बढ़ाती है। जब हमारी कुव्वत मुदाफियत बढ़ती है तो इसका असर हमारी स्किन पे लाजमी होता है। 2009 में एक साइंटिफिक स्टडी की गई जिसके मुताबिक बेरीज खाने की वजह से हमारी स्किन में सूरज की खतरनाक शुआओं के खिलाफ एक नेचुरली प्रोटेक्शन पैदा हो जाती है। बेरीज में मौजूद स्ट्रॉन्ग एंटी ऑक्सीडेंट जहाँ पे हमारी स्किन को इन सूरज की खतरनाक शुआओं के डैमेज से बचाते हैं, वहीं पे ये एंटीऑक्सीडेंट्स स्ट्रेस और पोल्यूशन की वजह से होने वाले डैमेज से भी हमारी स्किन को महफूज रखते हैं। बेरीज में विटामिन ई और विटामिन सी बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनकी वजह से हमारी स्किन में एक हेल्दी ग्लो आता है और इसके साथ साथ हमारी स्किन ब्राइट होती है। बेरीज के बाद आ जाते हैं वाटर क्रेस। वाटर क्रेस कैल्शियम, पोटासियम, फॉस्फोरस, वाइटामिन ए, वाइटामिन सी, वाइटामिन के, वाइटामिन B1 और B2 से भरपूर होते हैं। कोलेजन हमारे जिस्म में ऐसी प्रोटीन होती है जो हमारे हड्डियों, हमारी स्किन, हमारे बालों के लिए बुनियादी हैसियत रखती है और कोलेजन की वजह से हमारी स्किन लटकती नहीं है, फर्म रहती है और यंग नजर आती है। बाज़ औक़ात हमारे लाइफ स्टाइल और स्ट्रेस की वजह से फ्री रेडिकल्स इस कोलेजन को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारी स्किन डैमेज होती है। जैसे मैंने पहले कहा कि बेरीज जो होती है वो उनमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसी तरह वाटर क्रेस भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और ये एंटीऑक्सीडेंट्स इन फ्री रेडिकल्स के नुकसानदेह असरात को जायल करते हैं, जिनकी वजह से ये फिर हमारी स्किन को झुर्रियों और फाइन लाइन से बचाते हैं। रिसर्च ने ये साबित किया है कि हेल्दी फैट जैसे कि मोनो अनसैचुरेटेड फैट हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनकी वजह से हमारी स्किन में लचक आती है और झुर्रियां बनने का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। एवोकाडोज इन मोनो अनसैचुरेटेड फैट से भरपूर होते हैं। हेल्दी फैट से भरपूर होने की वजह से एवोकाडोज हमारी स्किन को हेल्दी रखते हैं और इसको ड्राई नहीं होने देते। हेल्दी फैट के साथ साथ एवोकाडोज में ल्यूटीन और जियाजेंथिन होता है, जिसकी वजह से ये हमारी स्किन को सूरज की शुआओं से होने वाले डैमेज से बचाते हैं। एवोकाडोज विटामिन ए से भरपूर होते हैं। विटामिन ए हमारी डेड स्किन सेल्स को गिराते हैं और जो हमारे न्यू और हेल्दी स्किन सेल्स होते हैं वो ऊपर आते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन हेल्दी नजर आती है और इसमें एक ग्लो नजर आता है। सुर्ख शिमला मिर्ची पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ इनमें विटामिन सी भी वाफर मिकदार में होता है, जिनकी वजह से जो कोलेजन प्रोटीन होता है जिसको मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया उसको बनाने में ये शिमला मिर्ची काफ़ी मददगार होती है। ब्रोकली कैल्शियम, फोलेट, ल्यूटिन, विटामिन सी, विटामिन के, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और ये सब अज्जा हमारी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और उसको झुर्रियों से बचाते हैं। ब्रोकली को आप बेहतर है कि आप थोड़ी सी स्टीम में पका के खाएं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ब्रोकली को कच्चा भी खा सकते हैं, जो ना सिर्फ आपकी स्किन को बल्कि आपकी हेल्थ को और भी बहुत सारे फायदे देगी। अंडों में हेल्दी प्रोटीन काफ़ी मिकदार में होता है और जो अंडों की जर्दी होती है उसमें बायोटिन बहुत ज़्यादा होता है। रिसर्च ने यह साबित किया है कि बालों के लिए, स्किन के लिए और नेल्स की सेहत के लिए बायोटिन बहुत ज़रूरी होता है। साइंसी तहकीक ने यह साबित किया है कि प्रून्स हमारे निज़ाम हजम को बेहतर बनाने के लिए और हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत मुफीद होते हैं।
इनके साथ साथ ये हमारी स्किन को बहुत खूबसूरत बनाते हैं, इसलिए प्रून का इस्तेमाल अपनी खुराक में लाजमी करें। पालक का इस्तेमाल हमारी स्किन के साथ साथ हमारे सारे जिस्म के लिए बहुत मुफीद होता है। पालक वाइटामिन ए, वाइटामिन सी, वाइटामिन के, वाइटामिन ई, ल्यूटीन, आयरन और मैग्नीशियम से भरपूर होती है। वाइटामिन ए कोलेजन प्रोटीन के बनने के अमल को बहुत तेज करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन खूबसूरत होती है, इसमें रिंकल्स पड़ना कम हो जाते हैं और इसमें एक लचक सी आ जाती है। इसके अलावा वाइटामिन ए बालों को मजबूत और चमकदार बनाता है। खुश्क मेवा चार, खास तौर पर बादाम और अखरोट हमारी स्किन के लिए काफी मुफीद होते हैं। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी स्किन को सूरज की खतरनाक शुआओं से बचाते हैं, हमारी स्किन को एक स्ट्रेंथ देते हैं और एक हमारी स्किन पे एक नेचुरल ऑयल की तह बनाए रखते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन ग्लो करती है। परमानेंट खूबसूरत स्किन हम तब हासिल करते हैं जब हम अपनी खुराक को बेहतर बनाते हैं, बैलेंस डाइट खाते हैं। और ये जो एंटी एजिंग फूड्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, इनके बारे में तो साइंटिफिक एविडेंस भी है कि ये ना सिर्फ स्किन को खूबसूरत बनाते हैं बल्कि इससे आगे बढ़ के ये हमारी स्किन को यंग रखने के लिए काफी मदद करते हैं। ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।